नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जराहट की, मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। आज बताएंगे वशीकरण तंत्र के बारे में, क्यों होता है, कैसे होता है, किन ग्रहों के योग से बनता है वशीकरण, आखिर कैसे कोई आपके विरुद्ध कुछ ऐसा कर जाता है, आप ही क्यों, एक प्रश्न अक्सर आप लोग हमसे पूछते हैं, हम ही क्यों, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके अलावा ब्रह्मांड का हर व्यक्ति बहुत सुखी है, लगता है ना, बहुत स्वाभाविक है, एकदम से लग सकता है, कहीं से भी कोई ताज्जुब वाली बात नहीं, बट ऐसा नहीं है कि आप ही क्यों, बहुत है उनको भी यही लगता है कि वो ही क्यों। वश में करना वशीकरण कहलाता है। तंत्र क्रिया है, वर्ब है, तंत्र क्या है, वर्ब है, क्रिया है, षट कर्म होते हैं, कर्म ही तो किया जाता है। तो हमने पिछले एपिसोड्स में बताया मारण प्रयोग के विषय में कि किन ग्रहों के योग से मारण प्रयोग बनता है, हमने बताया मोहन प्रयोग के विषय में, हमने बताया स्तंभन प्रयोग के विषय में। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चौथे कर्म की तरफ हम आए हैं, जो है वशीकरण। मोहन में सिर्फ आकर्षण था, इसमें गुलाम बनाया जाता है कि किसी को पूरी तरह से गुलाम बना लिया जाता है, और वशीकरण क्रिया में स्त्री पुरुष का मिलन होता है। वशीकरण क्रिया यह वाया फिजिकल रिलेशन सेक्स के थ्रू, ये बहुत खतरनाक, इसमें स्त्री या पुरुष दूसरे के लिए बेकार हो जाता है। यह एक संभोगीय प्रक्रिया होती है, स्त्री पुरुष का मिलन। तंत्र के विषय में कहा जाता है पंच मकार से तंत्र का साधना होता है, मांस मदिरा मंत्र मुहूर्त मैथुन, पंच मकार तंत्र के होते हैं। तो यह एक निकृष्ट कार्य है, लेकिन जब जीवन और मृत्यु की बात आती है तो यह क्रिया भी प्रकृति की ही देन है कि कोई बहुत नष्ट हो रहा है, परिवार बर्बाद कर देता है, समाज के लिए कलंक बन गया है, बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं, जुआ शराब गंदी हरकतें ये सब कर रहा, तो उसको वश में किया जाए जिससे उसके जीवन की रक्षा हो और समाज के समाज में वो अभिशप्त ना रहे, समाज के लिए वो अभिशाप ना बन जाए, अपराधी ना बन जाए, गंदी हरकतें ना करे। तो ऐसे में इस क्रिया के द्वारा उसको वश में किया जाता है और वह पूरी तरह से किसी के वश में हो जाता है। यह इसकी महत्ता है, यह इसकी आवश्यकता है, यह इसकी अनिवार्यता है। परंतु आजकल ठग चल पड़ा है इस विद्या को लेकर, फोटो से वशीकरण कर देंगे, हाँ हाँ पैसा अकाउंट में डलवा दीजिए, हो जाएगा, 50,000 1,00,000 10,00,000 जितना बोल दें हो जाएगा, कुछ नहीं है, बस केवल आपके इस भाव को कैश कर लेते हैं, क्योंकि मरता क्या न करता। आपके इर्द गिर्द हजारों मिलेंगे जो जर जेवर गिरवी रख देते हैं, पैसा जेवर गिरवी रखती हैं महिलाएं कि वश में कर लें अपने पति को, भटक रहे हैं, किसी और स्त्री के पास जाने लगे हैं, स्त्री किसी और पुरुष के पास जाने लगी है, उसका वशीकरण करना है, बहुत सुंदर लगती है सामने छत पे दिखाई देती है, उसका वशीकरण करना है। मैं यकीन मानिए, मेरे पास 100 कॉल अगर आती हैं तो उसमें से 70 कॉल वशीकरण के लिए आती हैं। ये यूट्यूब की देन है, हर कोई लेकर के दुकान खोल के बैठा इस विषय को। भगवान कसम महा झूठ है, नहीं होता, फोटो से कपड़े से वशीकरण नहीं होता, ऑलवेज माइंड इट, इट्स ए वेरी प्रैक्टिकल क्रिया, ये बहुत प्रैक्टिकल क्रिया है, सिद्ध कर दे कोई ना, छुप के क्यों करता है, हम भी बैठे हैं, आइए सामने करके दिखा दीजिए, नहीं, जो होता है वो कोई कर नहीं पाता,
उसको आता नहीं करना। हम कुंडली का ग्रह योग बताते हैं कि कैसे होता है। आपका लग्न सौम्य ग्रहों का हो, वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, मीन, छह सौम्य लग्न है, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु, मीन, सौम्य ग्रहों के लग्न अगर हैं तो आप पर वशीकरण क्रिया हो सकती है। 20% हो गया। सौम्य ग्रह की महादशा भी हो तो 20% और 40% आप एलिजिबल हो गए कि आप पर वशीकरण किया जा सकता है। आपके लग्न को सौम्य ग्रह देखें या आपका लग्नेश और सौम्य ग्रहों के साथ हो, जैसे मिथुन लग्न हो और बुध शुक्र की युति हो, कर्क लग्न हो, चंद्रमा बुध की युति हो, शुक्र से दृष्ट हो, आपका लग्न पीड़ित हो, दैट मीन्स आपके लग्न पर 6, 8, 12 भाव के स्वामी की दृष्टि हो या आपके लग्न पर इन भाव के स्वामी बैठ जाएं, तो आप पर वशीकरण क्रिया हो सकती है। यू आर सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिस टाइप ऑफ क्रिया, तंत्र क्रिया। आपका लग्न का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए, आपका लग्न लॉर्ड छठे में आ जाए, तो आप पर तंत्र क्रिया का प्रभाव हो सकता है, आप पर तांत्रिक क्रिया हो सकती है, आप इसके प्रभाव में आ सकते हैं। वशीकरण नामक क्रिया आप पर की जा सकती है, आप पर अटैक हो सकता है। आपके लिए ये सारी चीजें बहुत इजीली हो जाएंगी अगर आप फंस गए। कब हो सकती हैं? जब इनकी दशांतर दशा आएगी। तो इस प्रकार की क्रियाओं के शिकार आप हो जाएं, आपकी बेटी हो जाए, आपके पति हो जाएं, आपकी पत्नी हो जाए, सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि कुंडली में योग है। अगर कुंडली में योग होता है तो हमें सावधान रहना चाहिए, हमें बचाव कर लेनी चाहिए। खास तौर पर टीनेजर्स की लड़कियां जो 14 से लेकर के 20 22 साल की हैं, 18 20 साल की हैं, उनके लिए तो मैं कहता हूं हर माता पिता को ये चाहिए, अगर आपकी लड़की बाहर पढ़ने जा रही है और उसकी सौम्य ग्रह की दशा है तो आप सावधान हो जाइए, इट्स नॉट गुड साइन। सौम्य ग्रहों की दशाओं में मैंने हमेशा मना किया है, क्योंकि ऐसी लड़कियां अचानक से डिप्रेशन की शिकार हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सौम्य है ना ग्रह। अब चंद्रमा की दशा चल रही हो और आप कल्पना करिए कि किसी को आप दूर भेज देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो लड़की सरवाइव कर पाए। और सोचिए कि प्लैनेट्स जिद करके करवा देते हैं, लड़की मर मिटेगी कि मुझे जाना है, मुझे अकेले रहना है, क्योंकि उसका भोग ले जाएगा ना, भोग ले जाएगा, आप कैसे रोक सकते हैं, आपके हाथ में थोड़ी ना सब कुछ रोकना। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बीइंग अ पेरेंट आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, बढ़ जाती है कि आप कंट्रोल कर ले जाइए। तो अगर आपके जन्मांक में जिस तरह के योग हमने बताए हैं वो चल रहे हैं, आपको ऐसा आभास होता है, आप पर लगता है कि हाँ आप खतरे के शिकार हो सकते हैं, तो आप दिनांक 21 मार्च से 28 मार्च जो होलाष्टक महानुष्ठान का आयोजन हम करवाने जा रहे हैं, उस होलाष्टक महानुष्ठान का आप उसमें सम्मिलित हो जाइए, अपने अपनों को सम्मिलित करिए। नंबर आपके सामने चल रहा है 9354619250, 9560447000,
99, मेरा नंबर है 9999024099। इन नंबर्स पर आप तुरंत व्हाट्सएप करिए होलाष्टक महाअनुष्ठान, बाकी सारी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। देर मत करिएगा, संख्या कम है, सीमित है, देर नहीं करना है। समृद्ध होइए और वशीकरण जैसे तंत्र से अपने आप को बचाइए। तो आपने जाना आज तंत्र सीरीज का, वशीकरण किसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, और अपने आप को ठगी विद्या से बचाइए। कोई भी जो खोल देता है ना दुकान की, फोटो भेजिए वशीकरण 21,000 डाल दीजिए 11,000, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। बुलाओ साले को हमारे सामने, ले आओ करके दिखा। जो सत्य पर होगा वो सामने करेगा, छाती ठोक कर करेगा, और जो चीटर होगा वो ससुरा मुंह छुपाएगा। उसको पकड़ के कूटना चाहिए एकदम से, गाय के गोबर में पटक पटक करके मार सारे पकड़ पकड़ एकदम। चलिए मोहब्बत बनाए रखिएगा और हंसते रहिएगा, ऐसे मुस्कुराते रहिएगा। नंबर वा याद कर लीजिएगा। फिलहाल हम चलते हैं, 4 तारीख तक अभी गाजियाबाद में, इसके बाद इंदौर पुणे मुंबई आदि का टूर लगेगा। आप अगर कहीं मिलना भी चाहते हैं तो मुलाकात भी कर सकते हैं। होलाष्टक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए मिलके अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो भी आप मुलाकात कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू, नमस्कार, श्री राधे।